आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र प्रवासे त्यारे अनेक विकास परियोजनाओं उद्घाटन और लोकार्पण ने लई 30 करोड़ की भेट अपाशे। बपोरे 12:15 प्रधानमंत्री मोदी नासिक पहुंचे। 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं आज महाराष्ट्र को मिलने वाली हैं, जिसका तोहफा प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एक बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया है अपने ऑडियो मैसेज में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो नासिक में पंचवटी है वहां से 11 दिवसीय अनुष्ठान का वो आरंभ करने जा रहे हैं, और ये अनुष्ठान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर है। उन्होंने कहा कि जो संतों ने, जो मनीषियों ने उन्हें सुझाव दिए थे, उसके आधार पर वो 11 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ नासिक के पंचवटी से ही करने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, तो ये सभी नेता इस वक्त प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, और ये रोड शो आगे बढ़ रहा है। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है, और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2024 में है। ऐसे में इन विकास परियोजनाओं का, ऐसे रोड शो का सीधा जो संबंध है वो चुनावी तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जो वक्त है वो बेहद कम बचा है, और लगातार साधने की कोशिश की जा रही है जो भी सत्ता के समीकरण होते हैं। और इन सबके बीच नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा रोड शो है जो इस वक्त चल रहा है, और उसी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है, और इसके बाद प्रधानमंत्री का जो रोड शो खत्म होगा तब 27वें युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युवाओं से जुड़ने की कोशिश होगी, युवाओं से संवाद होगा। इस कार्यक्रम के बाद विकास योजनाओं का एक बड़ा पिटारा भी महाराष्ट्र में खुलने जा रहा है। कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होगा, और इन विकास परियोजनाओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पेयजल आपूर्ति भी है, इसमें रेल परियोजनाएं भी हैं, इसके साथ ही साथ SEZ की बात करें वो भी है, विकलांग छात्रों सहित जो स्किल डेवलपमेंट है इसको लेकर भी कई योजनाएं हैं जिसकी आधारशिला और उद्घाटन होना है। और उसी कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे हैं, तो युवाओं का संवाद भी है, इसके साथ ही साथ विकास की परियोजनाओं की भी सौगात है, और इस दौरे का एक धार्मिक पक्ष भी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिए गए अपने ऑडियो मैसेज में जिसका जिक्र किया था। तो महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, और ये जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं नासिक की, जहां पर इस वक्त उनका रोड शो चल रहा है। ABP न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आप देखिए किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है, पूरे 1.5 किलोमीटर तक जो सड़क के दोनों तरफ के हिस्से हैं वो भरे हुए हैं लोगों से, और लोग प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त नासिक से आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, और इस वक्त वहां पर उनका रोड शो चल रहा है। तो आप देखिए प्रधानमंत्री के दाईं तरफ हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनकी बाईं तरफ हैं देवेंद्र फडणवीस, और जो लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। तो आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री पहुंचे, उत्सव का माहौल, प्रधानमंत्री की एक झलक लाने के लिए, और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता विशाल बरिस्को हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे स्वागत फिलहाल हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में, काफी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़े हैं, पुष्प वर्षा उनके लगातार हो रही है, एक झलक। तो प्रधानमंत्री अहीं रोड शो करी रहा छे, नासिक थी आ सीधी तस्वीर आवी रही छे, तेमनी साथे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ना, अने साथे ज डेप्यूटी CM फडणवीस पण हाजर छे।
आ जीप खुली जीप में सवार थईने प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करी रह्या छे अने लोको तेमनी पर फूलोनी वर्षा करी रह्या छे। 30,000 करोड़ना विकास कार्योनी भेट आजे आपवा जई रह्या छे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र ने, अने तेमा जे अटल सेतु छे तेनो पण समावेश थाय छे। अटल सेतु जे खूब ज मोटो ब्रिज तैयार करवामां आव्यो छे मुंबई में, अने तेनो सीधो लाभ मळशे मुंबईवासीओने। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक तेनुं नाम छे, जेने 21.8 किलोमीटरनी तेनी लंबाई रहेशे, जेनो सीधो फायदो थवानो छे लोकोने। अने आ साथे युवा महोत्सवनो प्रारंभ पण प्रधानमंत्रीना हस्ते थवानो छे। युवाओ साथे संवाद साधवा माटे प्रधानमंत्री मोदी युवा महोत्सवनो प्रारंभ तो करावशे, परंतु साथे साथे युवाओमां जे अत्यारे युवाओमां जे तेमनुं वर्चस्व छे ते पण वधु मजबूत थशे। बीजी तरफ 2024ની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને જ એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા હોય। कलाराम वहां पर कहते हैं तो प्रभु श्री राम का वो मंदिर है, नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, और मैं अयोध्या में हूँ, अयोध्या में भी नागर शैली में ही मंदिर बन रहा है प्रभु श्री राम का। तो नासिक से लेके अयोध्या तक एक तारतम्य बन रहा है, प्रभु श्री राम की भक्ति का पुल बन रहा है। और ये जो पुल है, इस पर जो 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 एक तस्वीर हमको दिखाई पड़ रही है, इसका संदेश पूरे देश के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है, राम भक्तों के लिए है। तो जो आपने कहा वो एक सच्चाई है, अध्यात्म विकास और साथ में एक पॉलिटिकल मैसेजिंग, ये जो त्रिकोण है इस त्रिकोण को साधा जा रहा है वहां से। जी बिल्कुल अभिषेक, और जिस तरीके से ये रैली की जो रोड शो है उसकी तस्वीरें तो हम दिखाई रहे हैं। ऑडियो मैसेज में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया कि जब बड़ा आयोजन होता है तो जो व्रत की बातें होती है वो मनीषी ने बताई। उन्होंने ये भी कहा मैं तो गर्भगृह में जाऊंगा, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो सारे भाव के रूप में मेरे साथ जाएंगे। ये जो बात है इसमें पक्ष के साथ विपक्ष के लिए भी कोई मैसेज है क्या? देखिए बिल्कुल है, और देखिए महाराष्ट्र का आप राजनीतिक समीकरण अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां किस तरह से जो चूंकि वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक, तो अगर गोदावरी को हम एक प्रतीक समझें तो गोदावरी में कितना पानी बह चुका है, चीजें कैसे अलग हुई हैं। जो एनडीए का अहम हिस्सा थी शिवसेना वो अलग हो चुकी है, शिवसेना का एक हिस्सा एकनाथ शिंदे के तौर पर जिनको कि अब शिवसेना मिल चुकी है नए फैसले में, वो बीजेपी के साथ में। लेकिन आप सोचिए उद्धव ठाकरे लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनसे उनकी पार्टी को छीन लिया गया है, अन्याय किया गया है, मराठा वोटरों का वो हवाला दे रहे हैं। एनसीपी और कांग्रेस के साथ में मिलकर के एक बड़ा कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है, तो इन सबको चैलेंज करने के लिए पीएम मोदी का ये रोड शो बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देता है। और वो भी तब जब इस रोड शो का एक सिरा प्रभु श्री राम की भक्ति से जुड़ा हुआ है, जो कालाराम मंदिर जहां वो जाएंगे नासिक के पंचवटी में, उसका जो संदेश है वो संदेश अयोध्या से जुड़ता है और वो देश में जाता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में प्रभु श्री राम का भी एक संदेश जाएगा, और जो वहां पर एक विपक्ष का कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को ये सीधी चुनौती है, और पीएम मोदी इस जो नया राजनीतिक समीकरण है उसको चुनौती देने की अगुवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, हमारे साथ आप बने रहिए, मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है, और कौन कौन से कार्यक्रम है और सियासी रूप से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का आज का महाराष्ट्र दौरा? देखिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र दौरा तो बेहद मायने रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की 48 सीटें हैं, और यहां की जो सियासी समीकरण है वो खिचड़ी राजनीति हो चुकी है। शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, एनसीपी दो गुटों में बटी हुई है, यहां बीजेपी को पूरा दमखम लगाना है, और ऐसे पर पीएम मोदी से बड़ा चेहरा कोई हो नहीं सकता। और पीएम मोदी यहां पर कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं, कई की नींव रखने वाले हैं और संवाद भी साधने वाले हैं, और एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी मैदान में उतरने वाली है। नासिक में मौजूद है पीएम मोदी, यहां पर युवा संवाद सम्मेलन जो होगा उसका उद्घाटन करेंगे, उसके पहले कालाराम मंदिर जाएंगे। कालाराम मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। देखिए राम मंदिर की बात हो रही है, लेकिन कालाराम जब भगवान राम को वनवास हुआ था, 14 वर्षों का वनवास हुआ था, उस वक्त जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम नासिक में रह रहे थे, गोदावरी नदी के किनारे रह रहे थे,
तब वहां पर ये उनके वनवास के दौरान एक लंबा समय श्री राम जी ने बिताया था। यहां कालाराम मंदिर का बहुत ऐतिहासिक महत्व है और देखिए इसका एक राजनीतिक मायने भी है। 1930 की घटना है जब भीमराव अंबेडकर ने एक आंदोलन किया था और इस कालाराम मंदिर में जाकर दर्शन करने की मांग की थी और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। लगभग 2000 से अधिक दलित जो है वो मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहते थे। एक बड़ा सांकेतिक इसका महत्व है। कालाराम मंदिर को इस तरह से जोड़ा जाता है कि यहाँ पर चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो सभी को समान एंट्री मिलती है और ये बहुत प्रथा पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो यानी राम सभी के हैं ये मैसेज यहाँ से जाता है और इसीलिए कालाराम मंदिर का दर्शन करना बहुत मायने रखता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी नासिक से निकलकर मुंबई आएंगे और मुंबई में भारत के सबसे बड़े समुद्र सेतु अटल बिहारी वाजपेयी अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे और अटल सेतु का उद्घाटन करते हुए उसी अटल सेतु से होते हुए जो कि 20 किलोमीटर का अटल सेतु है समुद्र का रास्ता तय करते हुए पहुंचेंगे नवी मुंबई। नवी मुंबई में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है नवी मुंबई एयरपोर्ट का वहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जो मुंबई में नया एक समुद्र सेतु बना हुआ है 20 किलोमीटर का ये लगभग 2 से 2.5 घंटे की जो दूरी है वो 20 मिनट में दूरी तय हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये विकास काम भी दिखाता है और पीएम मोदी जिस बिल्कुल मुंबई के लिए बड़ी सौगात है और बड़ी राहत लेकर ये